आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी एमपी बोर्ड की 6 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट है। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है। ओके, तो अब से हम क्या है हिंदी विषय की तैयारी करेंगे। क्रम से मैं आपको एक एक टॉपिक लूंगा और समझाऊंगा बताऊंगा। ओके, तो आपको तैयार करते जाना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अति महापुरुष ने देखने वाले हैं, प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं काव्य खंड के। ओके, प्रश्न बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा। ओके, और मैं टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा काव्य खंड के, जिन्हें आपको जरूर तैयार करके रखना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो शीतलवाणी में आग, जब भी क्या है शीतल मतलब ठंडा, ठंडी वाणी में आग की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ आपको क्या है विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया विरोधाभास अलंकार की परिभाषा समय आपको क्या है तैयार करना है। ओके, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओके, तो इसमें आपको ये भी आपको बता देना है। चलिए पहले देख लेते हैं, शीतलवाणी में आग के होने से अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है। ओके, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद में प्रेम रहित संसार के प्रति क्या है असंतोष और विद्रोह की भावना है। ओके, अतः है कभी अपनी शीतल वाणी से ही वह अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में क्या है प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। दृष्टिगोचर मतलब दिख रहा है इस वाणी में, इस बात में हमें क्या दिख रहा है शीतल वाणी में आग में हमें क्या दिख रहा है विरोधाभास अलंकार दिख रहा है। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कवि की वाणी है वो क्या है कोमल है मधुर है। ओके, लेकिन उसमें क्या है उनको जो संसार को जब वो देखते हैं तो संसार में क्या है प्रेम रहे थे। ओके, प्रेम रहे थे, साथ ही उन्हें क्या है उनकी प्रेसी भी की याद भी आ रही है। ओके, इस प्रकार से उनकी क्या है उनके अंतर्द्वंद में या उनके हृदय में क्या है विरोध की भावना है, इसलिए उनके इसीलिए कहा है शीतल वाणी में आग के बारे में कहा। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड बताऊंगा, आप जब मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा तो आपको सेम लगेगा कि हाँ ये अब मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपके त्रिमासिक अर्धवार्षिक इन सब में जरूर ना जरूर इनमें क्वेश्चन आए होंगे। ओके, इनसे आए होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं, तो बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके सुबह की इसके भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे और उनके लिए क्या है भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा से बच्चे नीड़ों से झांक कर अपने माता पिता की क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको सिंपली है समझ में आ गया होगा कि बच्चे नीड़ मतलब क्या होता है, नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो बच्चे होते हैं वो चिड़िया के बच्चे हैं, वो घोंसले से नीचे क्यों देख रहे हैं। ओके, मतलब घोंसले से क्यों झांक रहे हैं, इसलिए झांक रहे हैं क्योंकि कई माता पिता जल्दी सूर्यास्त हो गया है, अब माता पिता उनके आएंगे उनके लिए क्या है भोजन लाएंगे। बच्चे छोटे छोटे और तो पादे नहीं है तो उनके लिए भोजन के लिए क्या आश्रित रहना पड़ता है माता पिता। ओके, तो इसलिए माता पिता आएंगे उनके लिए भोजन लाएंगे। ओके, इस प्रकार से इसलिए क्या है बच्चे क्यों झांक रहे हैं नीड़ों से, क्योंकि माता पिता आएंगे उनकी प्रतीक्षा के लिए झांक रहे हैं। ओके, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ओके, आंसर आपको लिखना है, कविता के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात्रि ना हो जाए। ओके, इसके साथ ही वह अपनी मंजिल को भी क्या समीप ही मानता है, यह सोचकर ही दिन का पंथी क्या जल्दी जल्दी चलता है। ओके, इसलिए क्यों चलता है कि उसे लगता है कि अब मैं पहुंच ही गया हूँ, बस थोड़ा समय रह गया रात के लिए। ओके, मंजिल बिल्कुल पास ही में है, अगर रात ना हो जाए मैं मंजिल में पहुंच ना पाऊँ, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। ओके, बस आपको ये लिख देना है। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको क्या टॉप 20 क्वेश्चन बताऊं काव्यखंड का, जिनमें से बहुत हाई चांस है कि आपके इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, एकदम आपका निचोड़ निकाला गया है सभी चैप्टरों का काव्यखंड की, इसलिए आप क्या है कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो काफी लंबा हो सकता है लेकिन मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं समझा रहा हूं तो इसलिए आपको क्या तुरंत याद हो जाएगा वीडियो को देखते ही देखते। ओके, आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा ना ही आपको क्या है इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखना पड़ेगा, वीडियो को देखते ही देखते आप याद करते जाइए। ओके, चौथा क्वेश्चन है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ओके, तो बच्चे पतंग आपको आंसर लिखना है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि उड़ाते पतंग क्या है बच्चे छत के किनारे में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, बच्चे पहले से भी अधिक निडर कब हो जाते हैं। ओके, तो बच्चे इसका आंसर आपको लिखना है, बच्चे पहले से अधिक निडर तब हो जाते हैं जब वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। मतलब क्या है छत से एक बार गिर चुके हैं, ओके, हाथ पांव टूट भी गया है लेकिन फिर भी बच गए। ओके, फिर उन्होंने और क्या है जोश आ जाता है, निडर हो जाते। ओके, डर नहीं रह जाता, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है।
तो आपको आंसर लिखना है। ओके, जब भी आप इनके आंसर गाइडों में देखेंगे सभी जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अब आंसर देखेंगे तो काफी लॉन्ग दिया हुआ है। ओके, जबकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपके काव्यखंड के या गद्यखंड से केवल 2 नंबर वाला आता है। ओके, अब उसमें आपको 8 से 10 लाइन का बता देते हैं, इतना सारा लिखेंगे तो आपका हिंदी का पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, इन्हीं क्वेश्चनों में रह जाएंगे। 3 से 4 लाइन लिखना, जितना मैंने आपको लिखा इतना ही आपका पर्याप्त है 2 नंबर के लिए। लेकिन आपको ऐसी लाइनें लिखनी 3 से 4 कि उसमें आपका आंसर क्या है कंप्लीट हो जाए, इसका बात को ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको जो मैंने आपको बनाया है सभी का मिक्सचर मैंने आपको बनाया है, सबको पढ़कर समझ के बनाया है। आप कहीं भी आप जाएंगे तो आपको क्या है सिलेक्टेड आपको मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और मैंने आपको कई गाइडों से किसी में आंसर कुछ के सही है तो किसी कुछ के गलत है। ओके, इसलिए मैं जिसका मुझे सही लगा मैंने उसका आपको लिया हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो देखिए, चिड़िया क्या उड़ती है और क्या फूल फूल है वो क्या खिलता है। ओके, इस प्रकार कविता कल्पना की उड़ान भरती है और क्या फूल की तरह खिलती है अर्थात विकसित होती है। इस प्रकार दोनों में क्या है गहरा संबंध है। कवि ने क्या है उड़ने और खिलने का क्या संबंध बताया है कविता में कि जो क्या है चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है ये तो हमें पता है। ओके, तो जो कविता होती है कविता भी क्या है कल्पना की उड़ान भरती है। ओके, और जो फूल की तरह क्या है कविता खिलती है मतलब विकसित होती है। ओके, और इस प्रकार क्या है दोनों में गहरा संबंध ये आपको बताना है। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। आंसर लिखना है भारत भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय है कि स्वयं को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी और मुहावरेदार कठिन शब्दावली या महिमा पंडित तरीके से वाचन न करते हुए जनमानस अनुरूप सरल सहज व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी को समझने योग्य वाचन करें। ओके, अगर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके मैं आपको बहुत ही कठिन भाषा में आपको बताने लगूं। ओके, और 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन का मैं आपको आधे आधे पेज का आंसर बताने लगूं तो आप तुरंत ही वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कितना मुझे लिख नहीं पाना, न याद कर पाना, न समझ पाना है, कुछ मतलब नहीं है। ओके, इसलिए नॉर्मल गाइड याद किया जाए, इसलिए आप वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे। ओके, इसलिए मैं आपको क्या है आपको आसान बताते जा रहा हूं जिस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है, जब भी किसी से बात करें एकदम साधारण बात में करें, सिंपल बात में करें, जब भी भाषण दें, जो व्यक्ति जितना आसान सरल भाषा में देता है वो सबको समझ में आ जाता है, वो उत्कृष्ट माना जाता है, ना कि वह उत्कृष्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है जो एकदम अच्छी कठिन भाषाएं बोले और किसी को समझ में ही ना आए, तो उसके लिए लोग तालियां क्यों बजाएंगे जब उसे कहें उन्हें उनका भाषा समझ में ही नहीं आया। तो वही बताया गया कि भाषा को सरलियत बरतने का अभिप्राय है कि जब भी आप बोलें, ओके, तो क्या है उत्कृष्ट भाषा, श्रेष्ठ, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बनावटी कठिन भाषा, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग ना करते हुए एकदम आसान सरल सहज शब्दावलियों का प्रयोग करें जिससे लोगों को समझ में आ जाए। ओके, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ ज्यादा कठिन नहीं, केवल एक बार पढ़ना है, समझना है और अपनी भाषा में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि शब्द रटना है। इंग्लिश में मान सकता हूं कि आप क्या है इंग्लिश को बनाकर नहीं लिख सकते, लेकिन हिंदी अपनी भाषा आप क्या है छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो आप इसे बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने की माने क्या होता है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते, किस प्रकार से आपको लिखना है। कविता की तुलना में फूल से करते हुए कवि कहता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध फूल क्षणभंगुर होता है, दूसरी ओर कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार सृजित होते के बाद अनंत काल तक अपने भाव एवं संस्कारों की महक से श्रोताओं को आनंदित करता है, वह बिना मुरझाए सदैव महकती रहती है। ओके, तो कभी बिना मुरझाए महकने से माने क्या है कि जो कवि है कवि ने अपनी कविता की तुलना किससे की है, फूल से की है। कवि कहता है कि जो फूल है, फूल तो क्या है एक अच्छा कुछ समय के लिए क्या है अच्छा लगेगा। ओके, खिलेगा तो हमें क्या अच्छा लगेगा, उसका रंग आकर्षक लगेगा, अच्छी खुशबू देगा, सुगंध देगा, तो हमें क्या है अच्छा लगता है, लेकिन वह कुछ ही समय बाद वो क्या है वो मुरझा जाता तो फिर लोगों को बेकार लगने लगता है फूल। ओके, तो क्या है उसकी जो प्रसिद्धि है वो क्षणभंगुर मतलब कुछ ही समय तक रहती है, नष्ट हो जाती है। ओके, लेकिन जब कविता है वो कविता एक बार लिख जाती है। ओके, और कविता एक बार लिख जाती है तो कई सालों तक वो चलती रहती है और लोग उसका क्या आनंद उठाते रहते हैं, वो मुरझाती नहीं है, कभी तक है अनंत काल तक चलती रहती है। ओके, वही इसमें आपको बताया गया, आई होप समझ चुके होंगे। जैसे अब हरिवंश राय बच्चन जी के पढ़ रहे हैं, ओके, अब वह इस दुनिया में नहीं हरिवंश राय बच्चन जी, लेकिन उनकी कविता आज भी हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ओके, इसी प्रकार कुंवर नारायण सिंह, ओके, इन सबकी कविता है तो आज भी जीवित है, जबकि फूल क्या है खुशी की दिन खिले और एक हफ्ते बाद मुरझा के इस प्रकार से रहता है, आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन 9वां, हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक क्या है दुर्लभ को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। ओके, तो इसका देख लेते सॉल्यूशन, ये कौन कह रहा है हम समर्थ शक्तिवान है, ये टेलीविजन कह रहा है, मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम क्या शक्तिशाली हैं, हम एक दुर्बल को कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, अपाहिज को लाएंगे। ओके, और फिर उसका क्या व्यंग किया है कवि ने इस लाइन से बताया। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिवान होते हैं,
इतने शक्तिवान कि वे किसी की करुणा के पर्दे पर दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। ओके, वे दुर्लभ अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, मतलब दुर्लभ अपाहिज को क्या है, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनसे क्या उटपटांग प्रश्न करते हैं। ओके, और ताकि क्या है लोगों की सहानुभूति प्राप्त करें और क्या है उनके मीडिया के क्या TRP बढ़े। ओके, और क्या है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें। ये आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, उषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है और क्यों। ओके, तो आंसर आपको लिखना है, उषा कविता में प्रातः काली नव की तुलना राख से लिपे 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 गए गीले चौके से की गई है। ओके, इस समय आकाश नम मतलब नमी होती है, इस समय आकाश में नमी होती है और धुंधला होता है, इसका रंग क्या है राख के लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। ओके, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नाइन आपको याद रखनी है कि ये भोर के जो नव की तुलना किसे की गई है, राख से लिपे गए चौके से की गई है। ओके, गीले चौके से की गई। इसके साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे आपको समझाया जा रहा है कि समझने के लिए 2-3 लाइन और जोड़ी गई है कि इस प्रकार चूल्हा चौके से चौके चौक चूल्हा चौक सूख कर क्या साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद क्या आकाश भी क्या स्वच्छ और एवं निर्मल हो जाता है। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, उषा का जादू क्या है और यह क्यों टूट रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले बताना उषा का जादू क्या है, पहले आपको ये बताना। ओके, तो सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। ओके, मतलब जब सूर्य उगता है उससे पहले, ओके उगना पाए मतलब उससे थोड़ा पहले के, ओके जो होता है वो अत्यंत आकर्षक होता है। ओके, दृश्य भोर के समय क्या सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है, इस प्रकार आकाश में सौंदर्य क्या क्षण क्षण में क्या परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का क्या जादू है, यही क्या है उषा का जादू है जो क्या सूर्योदय से पहले होता है। ओके, और सूर्य उदय होने के साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है, जैसे सूर्योदय हो जाए तो ये सबसे दृश्य क्या समाप्त हो जाते हैं, इसलिए क्या है ये बताया गया कि उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। ओके, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि उषा का जादू क्यों टूट रहा है, आंसर आपको लिखना है सूर्योदय के कारण, ऑब्जेक्ट में आता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संघ से क्यों की गई है। ओके, कवि ने जो प्रातःकालीन वातावरण है, ओके उसकी तुलना किससे की गई है, नीले संघ से की गई है। क्यों की गई है तो आपको बताना है, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग क्या है संघ जैसा नीला था, जो आकाश का रंग होता है नीले तरह होता है, हल्का हल्का नीला। ओके, इसलिए क्या है कवि ने नीले रंग संघ से क्या है आकाश की तुलना की है। ओके, उसके बाद आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया है, सुबह की नमी के कारण यह क्या है गीता प्रतीत होता है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अपना, बादलों के ना बरसने के कारण किसान की स्थिति किस प्रकार की हो गई है। तो आपको लिखना है, बादलों के ना बरसने के कारण किसान की स्थिति क्या दयनीय हो गई है, उनका संचित धन क्या समाप्ति की ओर है। ओके, उनका संतोष टूट चुका है और हृदय में क्या है भय कांपने लग रहा है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप क्या हिंदी का कोर्स कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12th का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है 9039354479 पर। ओके, कोर्स की फीस है ₹249। ओके, लेकिन अभी मैंने आपको 50% ऑफ कर दिया जिससे सब स्टूडेंट ले सके, तो अभी केवल और केवल इसकी फीस है आपके ₹125। ओके, तो इसमें आप कोर्स में आपको मिलेगा क्या, कोर्स में आपको जितना कंप्लीट हिंदी की आपकी तैयारी करेगी, आपके जो काव्यखंड गद्यखंड क्वेश्चन आंसर वगैरह है उसके साथ ही आपकी कंप्लीट ग्रामर, और मैं आपको कोर्स में आपको कंप्लीट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है सब कुछ, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको जो यूट्यूब पर मटेरियल मिल रहा है ये तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपको क्या है उसमें जो अलग से मटेरियल दिया वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपको एक साथ एक ही छत पर आप समझ लीजिए सब आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो बार बार आपको हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, ज्वाइन करना चाहते जरूर कर सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी मैं आपको यूट्यूब पर तैयारी करा ही रहा हूं। ओके, तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, बादल बरसने के बाद प्रकृति में क्या का परिवर्तन होते हैं। तो आंसर आपको लिखना है, बादल बरसने के बाद बीज अंकुरित होकर हल्के हल्के छोटे छोटे हरे पौधे हरे भरे पौधे हंसते हुए क्या है प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा है। ओके, तो आंसर आपको लिखना है कि बादल राग कविता में ए विलुप्त के वीर बादल को कहा गया है, बादल घनघोर वर्षा कराता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जगजीवन क्या है अस्त व्यस्त हो जाता है, बादल को क्या है क्रांति का प्रतीक है। ओके, ये ऑब्जेक्ट में भी आता है, मैं आपको हाईलाइट इसलिए करता हूं क्योंकि ये इन सबसे ऑब्जेक्ट आपके बनते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या है किसे क्रांति का प्रतीक कहा गया, तो बादलों को क्रांति का प्रतीक कहा गया। ओके, क्रांति के आने से क्या है बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा आम व्यक्ति के जीने योग्य क्या है स्थिति मिलती है, ये आपको लिखना है। इसलिए क्या है आपके कवि ने क्या है बादलों को विलुप्त के बादल कहा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा, 16वां, रणतरी किसे कहा गया है, यह किन आकांक्षाओं से भरी हुई है।
आंसर आपको लिखना है। कवि ने रणतरी बादलों को कहा है, उनकी यह आकांक्षा है कि धरती पर सूर्य की गर्मी और ताप से पीड़ित व्याकुल एवं प्यासे धरतीवासियों की प्यास बुझाऊं। ओके, ये क्या है, रणतरी की क्या आकांक्षा है। ओके, तो पहले आपको आंसर बता दिया कि रणतरी किसे कहते हैं, तो रणतरी किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। उनकी किन आकांक्षा से भरी हुई है, उनकी आकांक्षा है कि वह क्या है, धरती के सूर्य ताप की गर्मी और क्या ताप से क्या पीड़ित व्याकुल प्यासे धरतीवासियों की क्या है, धरतीवासियों की प्यास बुझाए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है, तो आंसर आपको लिखना है, हनुमान ने भरत के बाहुबल, सुशील स्वभाव तथा प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी आगे परीक्षा में आपको अपडेट देता रहूंगा सब कुछ, तो टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, 18वां क्वेश्चन हमारा, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ओके, शायर है जो वो कह राखी के जो लच्छे होते हैं, राखी के लच्छे लटकते रहते हैं हाथ में, तो उनको कह बिजली की चमक की तरह कहता है, तो ऐसे क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ओके, तो आंसर आपको लिखना है, रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली की लच्छे हैं, वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। ओके, सावन में संबंध किससे होता है, घटा मतलब बादलों से होता है। ओके, घटा से होता है, घटा का जो संबंध बिजली से होता से है, वही संबंध क्या है, भाई का बहन से है, इसलिए क्या है, शायर यही भाव व्यक्त करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और क्या है बिजली की तरह चमकता रहे। ओके, इस प्रकार से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। ओके, आंसर देख लेते हैं, छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि कवि ने कभी कभी कर्म को खेत में बीज के बोने की तरह माना है, मतलब कवि ने कहा कर्म को किसके रूप में माना है, खेत में बीज के बोने की तरह माना है। ओके, इसके माध्यम से कवि कहना या बताना चाहता है कि कविता रचना क्या, कविता की रचना करना सरल नहीं कारण नहीं है, जिस प्रकार का है खेत में बीज बोने के लेकर फसल काटने तक काफी मेहनत लगती पड़ती है, उसी प्रकार का है कविता रचने के लिए क्या है अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते होंगे। तो इसका मेन लाइन आपको यहाँ से आपकी तीन लाइन बस याद रखनी है कि क्या है, कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ निहित है, तो कागज पन्ना इसलिए कहा है कवि ने कि कवि कर्म को क्या है खेत के में बीज के बोने की तरह माना है, ये आपको इस मेन आपकी लाइन रहेगी। ओके, बाकी ये क्या है आगे की मेन लाइन होती है, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, डायरेक्ट आंसर बता देने हैं। ओके, अब ऐसा क्यों किया गया है आगे की लास्ट की दो लाइन में आपको समझाना पड़ता है। ओके, बाकी आपको इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 20वां क्वेश्चन हमारा, मेरा छोटा खेत या छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। आंसर आपको लिखना है, कविता छोटा मेरा खेत के संदर्भ में अधड़ क्या है, भावनात्मक आवेग की आंधी है, और बीज है जो आपका विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ये आपका मेन आंसर रहने वाला है। ओके, अब इसे समझाते हुए आपको एक दो लाइन और बता देनी है कि कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि का मन में एक विचार उदित होता है, इसमें कल्पना की उड़ान भरकर कवि कभी एक कह काव्य रचना का सृजन करता है। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं काव्य खंड के। ओके, अब नेक्स्ट में आपको क्या है पद्य साहित्य का आपको इतिहास बता दूंगा, फिर आपको गद्य खंड के देखेंगे, फिर गद्य साहित्य का इतिहास, इस प्रकार से हम क्रम से चलेंगे और मैं आपको क्रम से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। बस आपको क्या है जैसे जैसे मैं आपको वीडियो डालता जाऊं समझाता जाऊं आप याद करते जाइएगा, आप देखेंगे एक हफ्ते बाद आपकी क्या है कंप्लीट तैयारी आपकी हिंदी विषय की हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो सुनाएगी, वीडियो सुनाए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोर्स के लिए आपका आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।